बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। और अगर तुम अल्लाह की नियामतें गिनना चाहो तो कभी उनका हिसाब न रख सकोगे। वो जिनकी तन्हाइयाँ अपने रब को पा लेती हैं, फिर उन्हें महफिलें रास नहीं आती। जब हम अपने फैसले अल्लाह पे छोड़ देते हैं तो फैसलों पर सुकून मिलना शुरू हो जाता है। कुछ नेकियाँ ऐसी भी होनी चाहिए जिनका अल्लाह के सिवा कोई गवाह ना हो। ऐ इंसान, अगर तू अपनी कदर जान ले तो कभी गुनाहों को हल्का ना समझे। तुझे तमाम महलूकात में से चुना गया और तेरे लिए जन्नत बनाई गई। फिरौन ने इतने बच्चे ज़बह किए कि इनमें से कोई मेरी सुल्तनत ना उल्टा दे, लेकिन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसी फिरौन के घर में परवरिश पाई। मतलब अल्लाह का फैसला अटल है, इंसान जितनी मर्जी अकल दौड़ा ले सब बेकार है। अल्लाह किन लोगों से मोहब्बत करता है जो खुशहाली और तंगदस्ती में खर्च करते हैं और गुस्से को पी जाते हैं और लोगों को माफ़ कर देते हैं। ऐसे ही नेक लोगों से अल्लाह मोहब्बत रखता है। जब अल्लाह को हमारे दिन बदलने होते हैं तो हमारा दिल बदल देता है। मेरी लाख बुराइयां जानते हुए भी मुझसे बेहद प्यार करने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है, जिसका यकीन सिर्फ और सिर्फ अल्लाह हो वो हारते नहीं, वो मुश्किलात का सामना करते हैं इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह बेहतर करने वाला है। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगें तो तीन बातों को कभी ना भूलना, अल्लाह को, अल्लाह की महलूक को और अपनी औकात को। नसीब से गिले करने के बजाय अल्लाह को राज़ी कर लो, वो चाहे तो समंदर में घोड़े दौड़वा दे।